मैं एक आपको वाक्या बताऊं, हजरत मियां फजलुद्दीन कलयामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अल्लाह के मकबूल, लेकिन जाहिरी तौर पर मैं चूंकि उलमा बैठे हैं मैं इसलिए बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूं, और अगर किसी हवाले से मैं करूंगा तो वो सूफिया की जबान से या उनकी बात जो मैंने अपने लफ्जों में कही है, बात उनकी है, वाकया उनका है, उसको मैंने अपने लफ्जों के कालब में ढाला है, वो भी उनके हवाले से बयान करूंगा। अगर कोई एतराज करता है तो सूफिया पर करे, वो तो करते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं। तो हजरत मियां फजलुद्दीन कलयामी रहमतुल्लाह अलैह के लिए मशहूर था कि वो जाहिर नमाज नहीं पढ़ते थे, कभी उनको किसी ने नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो फुका के मुताबिक कभी जिसको न देखा उसकी नमाज जनाजा नहीं होती, लिहाजा उनकी जनाजे नमाज जनाजा रख दी गई। उन मौलवी जो हजरात थे, बड़े बड़े उलमा, उसके माड़ी दानिशमंदा, उनके करीब की जगह है, वहां के बहुत बड़े काजी थे, वो खच्चर पर किताबें लाद कर लाए थे कि मैं जो वहां इसकी नमाज पढ़ेगा मैं उस पर फिका के फतवा सादर करूंगा। मेरे दादा पीर मेर अली शाह चले गए, मियां फजलुद्दीन ने कहा कि मैं बिदती हूं, मैं साज सुनता हूं, मैं आवाज सुनता हूं, मैं आवाज का रसिया हूं, मैं चिश्ती निजामी साबरी हूं, ज्यादा से ज्यादा मुशरिक हूं, ये तो फैसला मेरा मालिक करेगा, पर मैं मरूंगा तो मेरी कब्र के अंदर घुसकर सारंगी बजाना। सारंगी बजाई गई और कहा गया कि मेरा जनाजा कोई ना पढ़े। लोगों ने खलीफे अर्ज की थी कि बिला वो फलाने मुफ्ती साहब ने तो फतवा दे देता है जे ये है ही मुशरक से बिदती, इसकी नमाज जनाजा नहीं हो सकती। फरमाया कि मिकी नवाली तोली के कफन पुआई के मंजी मेरी रखी छोड़ो, रख दो। एक शाह सवार आएगा और नमाज पढ़ाएगा, हूं पता नहीं शाह सवार केड़ा है, उस वक्त ना कोई मोटर ना कोई शह। पीर मेर अली शाह साहब मेरे दादा घोड़े ते बैठे कल्याम में पहुंचे, पीर साहब कहते मखलूक खलोती सी, मौली साहब ने कहा इसकी एक बंदा जनाजा नहीं पड़ेगा। बाबा साहब फरमाया कि ए तू मुफ्ती एक बंदे की गल करना, मेरे जनाजे दिल्ली के लोग भी शामिल होवणगे। हुण दिल्ली के बंदे कित्थों आउण जी, पता लगा थोड़ी देर काफिला आया, उस वेले काफिले चलने पिशावर जा रहा सी, उत्थों लगे जी 2-400 बंदा वो दिल्ली वाला भी शामिल हो गया। पीर साहब गए, इतनी मखलूक थी कि पीर साहब ने घोड़े पर सवार होकर सफे सीधी कराई, और मेरे दादा ने वहां खड़े होकर, वो सिर्फ पीर नहीं थे, नजराने बटोरने वाले, जेबें गर्म करने वाले हैं जी, मुश्किल कुशा और हाजत रवा कहलवाने वाले, उमूरे गैब में हाथ डालने वाले, अल्लाह की तकदीर को बदलाने का दावा करने वाले, वो आजिज बंदे थे, ऐसे पीर नहीं थे वो। अर्ज की बढ़कर कि मालिक मैं जा रहा हूं, इसका बातिन जाने और तू जाने, इसको जाहिर में नमाज में किसी ने नहीं देखा। तो गए तो फरमाया खड़े होकर, कोई किताब पास नहीं थी, जालिकल किताब अंदर थी। फरमाया जिसको इल्म का दावा है मेरे अली खड़ा है, जिसको मियां फजलुद्दीन कलयामी के ईमान में शक हो वो यहां मुनाजरे के मैदान में उतरे। 10 मिनट मेरा दादा खड़ा रहा, कोई बंदा नहीं उतरा, आखिर आपने भी आपने जनाजा पढ़ाया, नमाज पढ़ाई आपने।